नमस्कार, न्यूज 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं शेफाली। खबरों के विस्तार से पहले आइए संक्षेप पर डालते हैं एक नजर। नगर के वीवी इंटर कॉलेज रोड पर बीती रात विपरीत दिशा से आ रहे वाहन से बचने के प्रयास में रोड़ियों से भरे ट्रक सहित 3 वाहन आपस में टकरा गए, जिसमें 2 दुकानों के अग्रभाग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। दुर्घटना में 3 ट्रक भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि 1 ट्रक का चालक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। नगर के वीवी इंटर कॉलेज रोड पर बीती देर रात विपरीत दिशा से आ रहे एक वाहन से बचने के प्रयास में सहारनपुर जनपद से रोड़ी भरकर लोनी की ओर जा रहा ट्रक एक अन्य ट्रक से टकराते हुए डीसीएम से टकरा गया। दोनों ट्रक इतनी तेजी से टकराए कि वीवी इंटर कॉलेज के निकट सड़क के दाईं ओर स्थित अरोरा इंजीनियरिंग वर्क्स और एनएस फर्नीचर की दुकान में जा घुसे, जिससे दोनों दुकानों के शटर, साइन बोर्ड सहित अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना में डीसीएम भी क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना में 1 ट्रक का चालक भी घायल हो गया, उसे उपचार के लिए एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। 3 वाहनों की एक साथ दुर्घटना से वीवी इंटर कॉलेज रोड पर जाम लग गया, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटना के शिकार वाहनों को क्रेन की मदद से हटवाया। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम का जन समर्थन बढ़ता नजर आ रहा है। ग्राम बधे से भारी संख्या में आई महिलाओं ने जयवीर सिंह मलिक, सत्येंद्र पप्पू बधे, कृष्णपाल आदि द्वारा अगरसैन पार्क में चलाए जा रहे आंदोलन का भी समर्थन किया। समाजवादी पार्टी और गांधीवादी विचारक अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ व्यापक जन लोकपाल बिल लाने की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू किया। उन्होंने संसद में नया संशोधन बिल लाकर प्रधानमंत्री और अन्य पालिका तथा अन्य लोगों को भी इसके अधीन लाने की मांग करते हुए अन्ना हजारे की मुहिम का समर्थन किया। उन्होंने भ्रष्टाचार और काले धन पर अंकुश लगाने की मांग करते हुए जनता को इससे छुटकारा दिलाने की मांग की। ग्राम बधे से भारी संख्या में आई महिलाओं ने जयवीर सिंह मलिक, सत्येंद्र पप्पू बधे, कृष्णपाल आदि द्वारा अग्रसैन पार्क में चलाए जा रहे आंदोलन का भी समर्थन किया। जो 3 अनुसंधानकारी बैठे हुए हैं महिला सहित, हम पूरा सहयोग करते रहेंगे, जब तक बैठे रहेंगे जब तक ये समाधान नहीं होगा। देशवाल बधे से मैं अन्ना हजारे जी के इस आंदोलन का समर्थन करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम जैसी सभी लड़कियाँ, सभी बच्चे और सभी औरतें इस आंदोलन से जुड़े। तिन्हें आकर हमें सभी अनशनकारियों का इतना हौसला और हिम्मत बढ़ा दिया कि हम जब तक यहाँ दिल्ली में अन्ना हजारे हैं, जब तक हम निरंतर अपना कर्मिक अनशन चलाते रहेंगे। और इन महिलाओं का मैं बार बार तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आगे निरंतर इन महिलाओं ने हमें जो आई हैं वो पूरा सहयोग दिया है और हमारा इन माताओं बहनों के साथ में पूरा सहयोग है। नगर के श्री जैन कन्या इंटर कॉलेज में नव निर्वाचित आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला का सर सादीलाल एंटरप्राइजेज लिमिटेड शामली के मैनेजिंग डायरेक्टर रजतलाल ने लोकार्पण किया। विद्यालय में आयोजित एक समारोह में श्री रजतलाल ने जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान की नव निर्मित प्रयोगशालाओं का लोकार्पण करते हुए छात्राओं के सुखद एवं उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने छात्राओं से इस सुविधा का अत्यधिक लाभ उठाने का भी आग्रह किया। कॉलेज के प्रधानाचार्य रुचिता ढाका ने कहा कि छात्राओं को शिक्षा के साथ साथ पाठ्यक्रमी शिक्षा पर भी जोर दिया जाता है। यह युग प्रतिस्पर्धा का है, यदि हमारे पास संसाधन नहीं होंगे तो हम सफलता नहीं पा सकेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षण संस्था किसी भी अन्य शिक्षण संस्था से कमतर नहीं है। समारोह के अध्यक्ष बलवीर चंद्र ने कहा कि 1945 में इस स्कूल की स्थापना की गई थी, जो उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा है। यदि व्यक्ति की सोच पॉजिटिव होगी तो यह अधिक तरक्की कर सकता है। इससे पूर्व छात्राओं ने सरस्वती वंदना, स्वागत गान एवं लोक नृत्य किया। आज जो 2 प्रयोगशालाएं विद्यालय में बढ़ाई गई हैं, उससे निश्चित रूप से विद्यालय के छात्रों का काफ़ी भविष्य उज्जवल होगा, उनको काफ़ी सहूलियतें मिलेंगी। इसके लिए विद्यालय की प्रबंध समिति निश्चित रूप से धन्यवाद की पात्र है।
जो विद्यालय में प्रबंध समिति प्रयास कर रही है दिनों दिन एवं निरंतर विद्यालय की प्रगति उससे हो रही है, इससे केवल शामली ही नहीं बल्कि उसके आसपास के क्षेत्रों का खास तौर से बालिकाओं का सर्वांगीण विकास हो रहा है। न्यूज 7 में हो चलाया वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा नहीं, देखते रहिए न्यूज 7। रमजान के पवित्र महीने की, रमजान का महीना जो है मुसलमानों के लिए जो है ये बलिदान का महीना है। इसके अंदर ये बताया जाता है कि भाई ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है। खाने को हमारे खुदा ने हमें मना किया है, उसको इसलिए मना करते हैं कि भाई ये चीज़ें खानी नहीं है। उसके अंदर टाइम है और उसके बाद जो है मतलब जो है ना जब टाइम ख़त्म हो जाता है फिर उसके बाद खाते पीते हैं, सब चीज़ें करते हैं। रमज़ान का बहुत ही बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना होता है। भाई मेरी तरफ से आने वाली ईद को सभी क्षेत्रवासियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे क्षेत्रवासियों को, पूरे जिले के वासियों को, पूरे देशवासियों। प्रदेश का HP ऑथराइज श्री महावीर बिजनेस मशीन का भव्य शोरूम, HP की हर रेंज उपलब्ध एवं कंप्यूटर हार्डवेयर व सर्विस सेंटर, नेट आइडिया सेंटर के ऑथराइज जैन कंप्यूटर होम, फर्स्ट फ्लोर कैराना रोड शामली, सेल काउंटर नंबर 9412127369837071773। सर्विस के लिए संपर्क करें 9837017421। भारतीय किसान यूनियन की ओर से सभी क्षेत्रवासियों, नगरवासियों, किसान भाइयों, व्यापारियों को रक्षाबंधन, 15 अगस्त, कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, ईद की दिलई मुबारकबाद। आप सभी त्योहारों को आपसी तालमेल और सौहार्द से मनाएं। भारतीय किसान यूनियन और चौधरी नरेश टिकैत हमेशा आपके दुख सुख में आपके साथ है। ब्रेक के बाद न्यूज 7 में आपका स्वागत है। सहारनपुर के मंडलायुक्त सुरेश चंद्रा ने शामली तहसील पहुंचकर राज्य विधानसभा चुनाव 2012 के लिए मतदाता सूची और पुनर्निरीक्षण और फोटो पहचान पत्र कार्य की जांच की। उन्होंने कहा कि मतदाता फोटो पहचान पत्र तथा मतदाता सूची कार्य में लापरवाह BLO के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। सहारनपुर के मंडलायुक्त और केंद्रीय चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर सुरेश चंद्रा ने बुधवार को शामली तहसील पहुंचकर राज्य विधानसभा चुनाव 2012 के लिए मतदाता सूची के पुनरीक्षण और फोटो पहचान पत्र कार्य की जांच की। उन्होंने सभी बूथ लेवल अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे घर घर जाकर 25 अगस्त तक यह कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्य में लापरवाही बरतने वाले BLO के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी और अच्छा करने वाले BLO को पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने तहसील के मतदाता पंजीयन केंद्र का भी निरीक्षण किया। मंडलायुक्त ने कहा कि 18 वर्ष पूर्व कर चुके छात्र छात्राओं के वोट बनवाने के लिए आवेदन फॉर्म भरकर वे संबंधित इंटर कॉलेज व डिग्री कॉलेज के प्रधानाचार्य के यहाँ जमा करा दें। जिला अधिकारी पंकज कुमार यादव ने SDM एवं तहसीलदार को गांव-गांव जाकर फोटो पहचान पत्र कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए। जो वोटर लिस्ट है उसमें वोट बता ही नहीं जगह कुछ नया उनके घर में वोटर में 18 साल हो गया उसका नाम है कि नहीं ये चेक कर लिया है। उसके ऊपर सुपरवाइजर्स लगा रखे, उसके ऊपर SDM और तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर DM साहब, हमने ऑब्जर्वर बनाया है इलेक्शन कमीशन में। ठीक है, ऑब्जर्वर की हैसियत से हम आए हैं कि जो काम चल रहा है इलेक्शन कमीशन का वो ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा वो देखना। आपका जो वोटिंग रजिस्ट्रेशन सेंटर खुल गया है यहाँ पर, यहाँ अभी लोग आ नहीं रहे, तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा इसको लिखिए कि भाई अगर किसी की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, कुछ गलत हो गया है तो यहाँ आके अपना इसको ठीक कर। अगर उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं हो तो वो अपना नाम इसमें अवसर है तुरंत एक फॉर्म भरे, फॉर्म से हर जगह BLO है। और अभी हमने जो थाना भवन में कुछ गाँव है आइडेंटिफाई करें जहाँ का प्रोग्रेस खराब है, वहाँ SDM साहब कहाँ गए हैं, उस गाँव में कभी जाएंगे, उस गाँव में तहसीलदार साहब जाएंगे और सुपरवाइजर्स को टाइट करने का आदेश दिया। ठीक है, और इन BLO जो काम खराब है उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, काम अगर ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। और जो बहुत अच्छा काम करें उनको वो भी दिया जाएगा। थाना भवन में कितने ऐसे गाँव हैं जहाँ राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC 85 UP बटालियन शामली का 10 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर बुधवार को संपन्न हो गया।
नगर के ब्रिगेडियर होशियार सिंह इंटर कॉलेज में 85 यूपी बटालियन शामली द्वारा आयोजित 10 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर के अंतिम दिन विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। ड्रिल प्रतियोगिता, वॉलीबॉल प्रतियोगिता, लाइन लेआउट, क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता, 5 किलोमीटर की दौड़। इस अवसर पर पूर्व विधायक तथा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाबू सिंह ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को इनाम देकर सम्मानित किया। छात्रों के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एनसीसी, ये हर जगह छात्रों का काम आते हैं, जैसे भर्ती के लिए है, पढ़ाई में कहीं एडमिशन के है, तो इस तरह के काफ़ी महत्व है इसका। इससे अनुशासन एक इंडिविजुअल में, एक इंसान में बनती है। ड्रिल से बहुत अनुशासन आती है उसमें। ड्रिल को हम आर्मी में और सर्विसेज में ड्रिल का जो महत्व हम देते हैं वो है अनुशासन के लिए, और हथियार का महत्व है लड़ाई के मैदान में। अगर हमारे जवान को, एनसीसी कैडेट किसी को हथियार चलाना नहीं आएगा, वो दुश्मन से क्या लड़ेगा। तो हथियार का हैंडलिंग, हथियार चलाना, उसमें कोई रोक हो जाए उसको ठीक करना, ये सब सिखलाई दी जाती है, ताकि वो जवान जब लड़ाई के मैदान में जाए तो उसको अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस महसूस करे कि मैं हथियार चला सकता हूँ और दुश्मन से लड़ सकता हूँ। News7 में हो चला वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा नहीं, देखते रहिए News7। रमजान के पवित्र महीने की, रमजान का महीना जो है मुसलमानों के लिए जो है ये बलिदान का महीना है। इसके अंदर ये बताया जाता है कि भाई ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है। खाने को हमारे खुदा ने हमें मना किया है, उसको इसलिए मना करते हैं कि भाई ये चीज़ें खानी नहीं है। उसके अंदर टाइम है और उसके बाद जो है मतलब जो है ना, जब टाइम ख़त्म हो जाता है फिर उसके बाद खाते पीते हैं, सब चीज़ें करते हैं। रमज़ान का बहुत ही बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना होता है। भाई मेरी तरफ से आने वाली ईद को, सभी क्षेत्रवासियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे क्षेत्रवासियों को, पूरे जिले के वासियों को, पूरे देशवासियों। प्रदेश का HP ऑथराइज्ड श्री महावीर बिजनेस मशीन का भव्य शोरूम, HP की हर रेंज उपलब्ध एवं कंप्यूटर हार्डवेयर व सर्विस सेंटर, नेट आइडिया सेंटर के ऑथराइज्ड जैन कंप्यूटर होम, फर्स्ट फ्लोर कैलाना रोड शामली, सेल काउंटर नंबर 9412127369837071736, सर्विस के लिए संपर्क करें 9837017421। भारतीय किसान यूनियन की ओर से सभी क्षेत्रवासियों, नगरवासियों, किसान भाइयों, व्यापारियों को रक्षाबंधन, 15 अगस्त, कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, ईद की दिलई मुबारकबाद। आप सभी त्योहारों को आपसी तालमेल और सौहार्द से मनाएं। भारतीय किसान यूनियन और चौधरी नरेश टिकैत हमेशा आपके दुख सुख में आपके साथ है। ब्रेक के बाद News7 में आपका स्वागत है। शामली के कुटी वाले मंदिर में भारत विकास परिषद शामली द्वारा सांस्कृतिक सप्ताह के अंतर्गत मेहंदी एवं रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में श्रेष्ठ आने वाली बालिकाओं को पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत विकास परिषद शामली द्वारा सांस्कृतिक सप्ताह के अंतर्गत मेहंदी एवं रंगोली प्रतियोगिता का शुभारंभ मीरा मित्तल जी एवं रश्मि भार्गव जी ने किया। रश्मि भार्गव जी ने महिलाओं के जीवन की तुलना सुंदर रंगोली से करते हुए कहा कि आपका जीवन सदैव रंगोली की भांति रंगमय हो। श्रीमती ममता पुरी ने कहा कि जिस प्रकार मेहंदी स्वयं पिसने के बाद ही हाथों को रंग देती है, उसी प्रकार पुत्रियां विवाह के पूर्व पितृ ग्रह को तथा विवाह के बाद पति के घर को सुंदर एवं माधुर्य से परिपूर्ण करती हैं। मेहंदी प्रतियोगिता में कुमारी बुशरा को प्रथम, कुमारी अंशु मिर्जा को द्वितीय तथा कुमारी चांदनी को तृतीय पुरस्कार, रंगोली में कुमारी चांदनी को प्रथम, कुमारी मोनिका को द्वितीय तथा कुमारी बुशरा को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। और मुझे इस प्रतियोगिता के जरिए बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, मेहंदी प्रतियोगिता, और ये साल में होती रहनी चाहिए क्योंकि इससे जो है ना बच्चों का मानसिक विकास भी होता है। और मैंने इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये भारत विकास परिषद शामली सांस्कृतिक सप्ताह समारोह के अंदर विभिन्न प्रकार के 8 कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसमें आज का ये मेहंदी प्रतियोगिता और रंगोली प्रतियोगिता बालिकाओं के लिए थी। इसी प्रकार से आने वाली 27 तारीख को लाइफलाइन हॉस्पिटल शामली के अंदर एक बहुत विशाल मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मात्र 20 रुपए के रजिस्ट्रेशन शुल्क के अंदर हमारे फिजिशियन, हमारे गायनेकोलॉजिस्ट, हमारे डेंटिस्ट और खून के विभिन्न प्रकार के रोगों की जाँच केवल 20 रुपये के अंतर्गत ही वो की जाएगी। आने वाली 30 तारीख को श्री
सत्यनारायण शिशु मंदिर में बालकों के लिए एक कला प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और अंत में इस सांस्कृतिक सप्ताह का समापन भी हम लोग 30 तारीख को ही करेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जीवन ज्योति ट्रस्ट एवं परम सत्य वेलफेयर सोसाइटी झिंझाना द्वारा राधा कृष्ण वेशभूषा में नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राधा कृष्ण वेशभूषा नृत्य प्रतियोगिता का उद्घाटन अरविंद संगल जी ने फीता काटकर किया। प्रतियोगिता में लगभग 200 बच्चों ने भाग लेकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। वे दर्शकों को अपने नृत्य से भाव विभोर कर दिया। नृत्य एवं वेशभूषा में प्रथम द्वितीय एवं तृतीय आए बच्चों को 501, 251 व 101 रुपए व सभी बच्चों को प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया। परम सत्य वेलफेयर सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है, जीवन ज्योति ट्रस्ट के तत्वाधान में हो रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। कृष्ण के रूप में हमारे बच्चे ये संस्कार पाएंगे। जब बचपन में उन्होंने कृष्ण का रूप धारण किया, उनके मन में अगर कुछ भी संस्कार बाकी रह गए, यही इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य होगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ, भगवान इनको तरक्की दे और माँ सरस्वती इनकी वाणी पर बनी रहे। धन्यवाद। उपलक्ष्य में अपने क्षेत्र के बच्चों को भगवान श्री कृष्ण की वेशभूषा में नृत्य करने का एक अच्छा अवसर और अपने टैलेंट दिखाने का मौका मिला, इसके लिए मैं सभी कमेटी का धन्यवाद करता हूं और कामना करता हूं भविष्य में ऐसे कार्यक्रम होते रहें। ये जीवन ज्योति ट्रस्ट और परम सत्य वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जन्माष्टमी उपलक्ष्य पर एक लगभग 300 बच्चों का पुरस्कार वितरण समारोह और राधा कृष्ण की वेशभूषा में नृत्य कम्पिटिशन था। बरेली के रामनगर किले का तिखाल वाले बाबा का मंदिर जैन धर्म के लोगों की अटूट आस्था का केंद्र है। इस मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ की स्वंभु प्रतिमा मंदिर का मुख्य आकर्षण है। बरेली की आंवला तहसील का रामनगर किला, जो कि अतिशय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, यहाँ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जी ने करीब 2800 साल पहले कठोर तप किया था, जिसके बाद उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। कहा जाता है प्राचीन काल में जब इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा था, तब खुदाई में एक दीवार मिली जिसमें बने तिखाल आले में भगवान पार्श्वनाथ की स्वयंभू प्रतिमा विराजमान थी। तभी से भगवान पार्श्वनाथ जी तिखाल वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। क्षेत्र भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के चरण रस से पवित्र है। स्वयं भगवान पार्श्वनाथ ने आकर यहाँ पर साधना की और केवल ज्ञान की प्राप्ति की थी और प्रथम समोशरण केवल ज्ञान के पश्चात इसी धरा पर लगा और तब से लेकर आज तक ये क्षेत्र परम पावन और पवित्र है। इस तीर्थ क्षेत्र पर आकर अनेकों जन्मों के संचित पाप, पूर्व पार्जित अशुभ कर्मों का यहाँ पर आकर विनाश होता है। आई क्षेत्र की धरती अनेकों जीवों को उद्धार के लिए, अनेकों भक्तों के कल्याण के लिए, अनेकों लोगों के लिए, समृद्धि के लिए निमित्त बनती है। प्रत्येक माह हजारों की तादाद में यात्रीगण आकर यहाँ पर अभिषेक, पूजा, जाप, चालीसा, आरती के माध्यम से अपने पूर्व पार्जित अशुभ कर्मों का यहाँ पर एक तरह से मान के चलना चाहिए कि धोते हैं, विनाश करते हैं। मंदिर में पार्श्वनाथ जी की श्याम वर्ण वाली आकर्षक प्रतिमा के साथ भगवान महावीर और जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों की सुंदर प्रतिमाएं विराजमान हैं। माता पद्मावती की जन्मस्थली रामनगर किले के 30-24 मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ की 13.5 फुट ऊंची प्रतिमा के साथ भगवान ऋषभदेव जी की 1000 साल पुरानी प्रतिमा भी है। कहा जाता है कि हर मनोकामना पूर्ण करने वाले इस मंदिर में सर्पों का एक जोड़ा प्रतिमा की परिक्रमा करने आता है। ये भगवान 23वें पार्श्वनाथ का मंदिर है। यहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान ने तपस्या की थी। तपस्या के काम पर उनके पूर्वों का बैरी जो कमठ का जीव था, बीमार लेकर जा रहा था, वह बीमार रुक गया। उसने सोचा या तो नीचे मंदिर है या कोई भगवान कोई वही तपस्या कर रहा है। वो नीचे उतर के आया तो उसको उनको देख के ही पूर्वभव का याद आ गई। उसने कहा तो मेरे पूर्वों का बैरी है। तो उसने वहाँ पर कमठ के जीव ने देव हो गया था, उसने आके ओले शोले पत्थर बरसाए। उनके पिछले भव में जो पास नाग नागनी का जोड़ा था उनको मंत्र दिया था पार्श्वनाथ भगवान ने, तो वो धन्य पद्मापति हो गए थे। उनका सिंहासन का अपमान हुआ, वो नीचे आए,
उन्होंने देखा जो हमारा पूर्व का मित्र है, तो उन्होंने पद्मावती फल फैला दिया, उन पर भगवान को उठा लिया, धन्य ने फल फैला दिया तो छत बन गया, तब से यहाँ का नाम अहिछत बन गया है। अहिमान सर्प है छत, अहि जो सर्प ने छत बनाया, तब से नाम इसका अहिछत बन गया है। मंदिर के पास में एक प्राचीन कुआं भी मौजूद है। इस कुएं के बारे में मान्यता है कि गदर के समय मंदिर का माली 4 मूर्तियों को लेकर कई दिनों तक यहाँ छिपा रहा था, जिससे कुएं के चारों कोनों के पानी का रंग और स्वाद अलग अलग है। इसके पीने से कई रोग दूर हो जाते हैं। यहाँ पर 1857 में गदर के समय मूर्तियों को यहाँ जो माली थे वो माली मूर्तियों को लेके आए। 3 मूर्तियाँ थी उनके पास, एक तीनों मूर्तियों को लेके कुएं में छुप गए। उन मूर्तियों का उन्होंने क्या नाम से बचाव किया, और जब वो गदर खत्म हुआ, समय खत्म हो गया, तो 2 मूर्तियाँ नीचे रह गई। एक मूर्ति को लेके लाए जो वहाँ पे मंदिर में विराजमान है। उसका अतिशय है कि इस कुएं का जो भी पानी पीता है या जो इसमें स्नान करता है उसके सारे दुख कट जाते हैं। अतिशय क्षेत्र रामनगर के जैन मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु भगवान का आशीर्वाद लेने आते हैं। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।